Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic limitations of public deposits. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हेन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्टिंग द फाइनेंस डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, तो हम इस टाइप के सोर्स को पब्लिक डिपॉजिट का नाम देते हैं। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक से डायरेक्टली फाइनेंस को डिपॉजिट करे, फंड को रेज करे, तो हम इस सोर्स को पब्लिक डिपॉजिट का नाम देते हैं। पब्लिक फर्म्स में डिपॉजिट करती है क्योंकि उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू बैंक्स। यानी कि पब्लिक अगर बैंक में अपने सेविंग को कलेक्ट करती है या सेविंग अकाउंट में सबमिट करती है, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा, उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करती हैं। और इसी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने अमाउंट को सबमिट करते हैं, और इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फंड को कलेक्ट करती हैं, फाइनेंस को अरेंज करती हैं। इसके साथ साथ हमने इसके डिफरेंट एडवांटेजेस भी डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पब्लिक डिपॉजिट्स के क्या क्या लिमिटेशंस रहते हैं। यानी कि अगर आप फाइनेंस को अरेंज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स, तो एक कंपनी को क्या क्या डिसएडवांटेजेस को सफर करना होता है। द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दिस मेथड इज नॉट डिपेंडेबल एज वन कैन नॉट असर्टेन दैट द पब्लिक डिपॉजिट्स मे बी फोर्थकमिंग टू द डिजायर्ड एक्सटेंट। ऑन अकाउंट ऑफ दिस अनसर्टेनिटी इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्लान प्रॉपरली। यानी कि अगर कोई कंपनी इस मेथड के बेसिस पर, यानी कि पब्लिक डिपॉजिट को एक सोर्स ऑफ फंड मानते हुए इसके बेसिस पर अपने फाइनेंशियल प्लान को डेवलप करना चाहे, तो प्रॉपरली वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व रहती है। अनसर्टेनिटी किस बात की है कि जिस पर्टिकुलर डिजायर्ड क्वांटिटी में डिजायर्ड एक्सटेंट तक आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, क्या उस एक्सटेंट तक पब्लिक डिपॉजिट से आपके पास फंड का कलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, ये अनसर्टेन रहता है क्योंकि ये डिपेंडेबल मेथड नहीं है। आप केवल और केवल पब्लिक डिपॉजिट पर ही डिपेंड होकर फाइनेंस को अरेंज नहीं कर सकते, इसको एक अनदर वे की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कंपनी ये सोचे कि पब्लिक डिपॉजिट के मीडियम से वो सारा फंड अरेंज कर ले, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बेसिस पर कोई भी कंपनी अपने फाइनेंशियल प्लान को प्रॉपरली डेवलप नहीं कर सकती। सेकेंड डिमेरिट क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, सच डिपॉजिट्स आर फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है अच्छे समय के साथी। यानी कि जब हम पब्लिक डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो ये एक तरीके से अच्छे समय के साथी की तरह होती है। यानी कि अगर आपका बुरा वक्त आएगा तो उस केस में पब्लिक आपके पास डिपॉजिट नहीं करेगी, तो ये जो सोर्स ऑफ फंड है ये आपके लिए बेकार हो जाता है, ये अनरिलायबल सोर्स है। केवल केवल जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही होती है तब ये उस केस में पब्लिक डिपॉजिट से आप फंड को अरेंज कर सकते हो, रेज कर सकते हो। अगर कोई भी र्यूमर गलत तरीके से फर्म की फाइनेंशियल अनसाउंड के बारे में फैला दी जाए, तो इससे क्या होगा, जो डिपॉजिटर्स हैं वो हेजिटेट करेंगे अपना फंड कंपनी में डिपॉजिट करने में, और जो भी अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट कर रखा है पहले से ही उसको वो विड्रॉ कर लेंगे। तो कुल मिला के ये एक अनरिलायबल सोर्स होता है और ये किसी भी कंसर्न की एग्जिस्टेंस पर एक खतरा बन जाता है। यानी कि अगर कोई कंसर्न इसी पर डिपेंडेंट है तो एक तरीके से ये थ्रेटेंट, ये उस पर्टिकुलर फर्म के लिए खतरे की घंटी है कि अगर कोई भी गलत र्यूमर उड़ जाती है मार्केट में फाइनेंशियल अनसाउंडनेस के रिलेशन में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस में जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो अपना अमाउंट जितना भी डिपॉजिट कर रखा है वो विड्रॉ कर लेंगे। तो कुल मिला के अनरिलायबल सोर्स है, ये इसकी बिगेस्ट लिमिटेशन रहती है। थर्ड लिमिटेशन इज दैट सच डिपॉजिट्स आर अवेलेबल फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड एंड दे कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं। यानी कि अगर आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है तो पब्लिक डिपॉजिट के मीडियम से आप इसको अरेंज नहीं कर सकते। मैक्सिमम क्या होता है, 3 साल तक के लिए, अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक के लिए तो आप पब्लिक डिपॉजिट के मीडियम से फंड को रेज कर सकते हो पब्लिक डिपॉजिट के मीडियम से। लेकिन अगर आपको लॉन्ग पीरियड के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है
तो पब्लिक डिपॉजिट एक सुटेबल मीडियम नहीं है। नेक्स्ट डिमेरिट इज दिस मेथड प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी इन्वेस्टमेंट मार्केट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर इस मेथड को फॉलो करके फंड को रेज किया जाता है तो ये एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट मार्केट के डेवलपमेंट को रोकता है, जो कि किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा मार्केट के अंदर, तब तक प्रॉपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा उस कंट्री का। और अगर लोग डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे लगातार, तो क्या होगा, उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रिवेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। तो इसी वजह से इसको एक अनसुटेबल मेथड माना गया है। एंड द लास्ट डिमेरिट इज दैट समटाइम्स पब्लिक हैज़ अदर avenues to invest and they make deposits in such companies at higher rate of interest, only then it turns to be uneconomical. कभी कभी क्या होता है कि और भी other avenues होते हैं, और भी options होते हैं public के पास जहाँ वो अपना fund deposit कर सकती हैं और उन्हें better rate of return या better rate of interest मिल सकता है। अब ऐसी condition में क्या होगा, कंपनी के अंदर पब्लिक तब डिपॉजिट करेगी अपनी अमाउंट को जब उन्हें उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही ज़्यादा है और कंपनी अगर उसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी, तो इस केस में ये इसके लिए क्या हो जाएगा, अन इकोनॉमिकल हो जाएगा। ये एक तरीके से महंगा सौदा हो जाएगा कंपनी के लिए। इससे तो बेहतर है कि अदर सोर्सेज से वो फंड को अरेंज करें। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। Now, we will talk about the second medium-term source of finance. This is popularly known as lease financing. यानी कि अगर किसी भी कंपनी को मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस को अरेंज करना है तो उसके लिए एक बेहतर सोर्स रहता है, दैट इज नोन एज द लीज फाइनेंसिंग। क्या मतलब होता है लीज फाइनेंसिंग का? पहले तो हम लीज की बात करते हैं। अ लीज इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी दैट इज द ओनर ऑफ द असेट्स ग्रांट द अदर पार्टी द राइट टू यूज द असेट्स इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिकल पेमेंट। यानी कि लीज क्या होता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है जहां एक पार्टी जो कि असेट्स की ओनर है वो दूसरी पार्टी को राइट्स ग्रांट करती है। किसका राइट ग्रांट करती है, उस असेट को यूज करने का फॉर अ पीरियोडिकल पेमेंट, एक पीरियोडिकल पेमेंट के रिटर्न में। यानी कि लीज में एक पार्टी जिसके पास असेट्स अवेलेबल होती हैं, वो दूसरी पार्टी जो उन असेट्स को यूज करना चाहती है उनको उस पर्टिकुलर असेट्स को यूज करने की ग्रांट प्रोवाइड करती है, और इसके एक्सचेंज में जो उन असेट्स को यूज कर रहा है उसको एक पीरियोडिकल पेमेंट करना होता है उस पर्टिकुलर पार्टी को जिसकी वो असेट्स है। तो हम इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट को लीज का नाम देते हैं, या दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि इट इज अ रेंटिंग ऑफ एन असेट्स फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड विदाउट होल्डिंग टाइटल और ओनरशिप टू इट। यानी कुल मिला के जब असेट्स को रेंट पर दिया जाता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिसमें ऑनरशिप या टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है, उस पर जो उसका ओनर है उसी का टाइटल रहती है या उसी की ओनरशिप रहती है, बिना टाइटल या ओनरशिप को ट्रांसफर किए हुए असेट्स को रेंट पर दिया जाता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हम इस कॉन्सेप्ट को लीज फाइनेंसिंग का नाम देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब हमने यहाँ दो पार्टीज की बात करी है। पहली है जो असेट्स की ओनर है, तो इसे हम लीज फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट में लेजर का नाम देते हैं, जबकि दूसरी पार्टी है जो असेट्स को यूज कर रही है इस पार्टी को हम लेजी का नाम देते हैं। तो दो पार्टी हो गई, जिसकी असेट्स है या जो ओनर है असेट्स का वो हो गया लेजर, और जो असेट्स को यूज कर रहा है वो हो गया लेजी। जो लेजी होता है वो एक फिक्स्ड पीरियोडिकल अमाउंट पे करता है लेजर को एज अ लीज रेंटल। जितना भी लीज रेंटल उनके बीच में डिसाइड हुआ है वो लीज रेंटल पे किया जाता है बाय द लीजी टू द लेजर। इसके साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लीज एग्रीमेंट की,
जो उस लीज एग्रीमेंट को रेगुलेट करती हैं वो लीज कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपरली राइट डाउन की जाती हैं, और दोनों उस पर एग्री होते हैं और प्रॉपरली दोनों के उस पर सिग्नेचर भी होते हैं। तो क्या रहता है, लीज कॉन्ट्रैक्ट, जो दोनों पार्टीज हैं लेजर और लेजी, ये दोनों लीज कॉन्ट्रैक्ट पर प्रॉपरली साइन करते हैं, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लीज एग्रीमेंट की उसको दोनों के द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। और जब टाइम पीरियड फिनिश हो जाता है तो टाइम पीरियड फिनिश होने के बाद जो असेट्स हैं वो लेजर को वापस कर दी जाती हैं। इट मींस दैट एट द एंड ऑफ द पीरियड द असेट्स गोज बैक टू द लेजर, ठीक है। अब उसको रिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये लेजर पर डिपेंड करता है, लेकिन जब कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट या लीज कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जब इसका टाइम पीरियड फिनिश हो जाता है तो उस टाइम पर लेजर को लेजी जो लेजी है उसे लेजर को उसकी फिक्स्ड असेट वापस करनी होती है, ठीक है। जब हम लीज फाइनेंस की बात करते हैं तो कोई भी कंपनी लीज फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को फोकस क्यों करती है, तो ये एक तरीके का बहुत इम्पॉर्टेंट मीन्स है जिसके बेसिस पर कंपनी मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन को फोकस कर सकती है। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को और डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को फोकस करना चाहती है तो उस केस में वो लीज फाइनेंस के बेसिस पर असेट्स को अरेंज कर सकती है। जब हम टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो उस केस में लीज फाइनेंसिंग को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजी के लगातार अपग्रेड होने की वजह से इनमें यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के ऑब्सोलीसीन होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, और इसकी वजह से कंपनी क्या होती है, जो कंपनी की असेट्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लायबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाती है अगर लगातार टेक्नोलॉजी चेंज होती रहे। तो इस टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से होने वाले नुकसान से बचने के लिए जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट टाइप की असेट्स को लीज फाइनेंस पर फॉलो करती हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर्स परचेस करने हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स परचेस करने हैं तो जो फर्म्स हैं वो इन कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को परचेज नहीं करती हैं बल्कि इन्हें लीज फाइनेंस पर क्या कर लेती हैं, हायर कर लेती हैं, और इनके लिए एक स्पेसिफाइड अमाउंट या पीरियडिकल अमाउंट इनके लिए पे करती रहती हैं। तो अगर कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो भी जाता है और उसकी वजह से अगर इक्विपमेंट या जो भी फिक्स्ड असेट्स है वो अगर ऑब्सोलीट हो भी जाती हैं तो उसका नुकसान कंपनी को नहीं उठाना है बल्कि जो उसका ओनर है यानी कि जो लेजर है ये उसका डैमेज रहता है। तो रिस्क क्या हो गया, यहाँ पर रिस्क खत्म हो गया। तो रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या करती हैं फर्म्स, कंपनी क्या करती हैं, लीज फाइनेंस पर असेट्स को अरेंज करती हैं। लेकिन जब कोई भी फर्म लीज फाइनेंस पर फंड को या किसी भी असेट्स को एक्सरसाइज करती है तो उसे ये देखने लगा है कि जो पीरियडिकल अमाउंट उसकी तरफ से पे की जाएगी और जो उस पर्टिकुलर असेट्स पर पैसा खर्च किया जाएगा उनमें से कौन बेहतर है। अगर उसे लग रहा है कि लीज रेंट ज़्यादा है तो उस केस में उसको उसे परचेस करना ही बेहतर है, लेकिन अगर उसे लग रहा है लीज रेंट कम पे करना पड़ रहा है उसको और उसको इंस्टॉल करने की या उसको परचेस करने की कॉस्ट ज़्यादा रहेगी तो उस केस में लीज रेंट के बेसिस पर या लीज फाइनेंसिंग के बेसिस पर उस असेट्स को एक्वायर किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीज फाइनेंसिंग। थैंक यू।